स्टूडेंट वेलकम बैक। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू ऑल आर हैप्पी। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न एंड आई एक्सप्लेन यूनिट टू, जिसमें चैप्टर टू है द बबल, द स्ट्रो एंड द सू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टाइटल द बबल। बबल मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? बबल मीन्स पानी में जो बुलबुले होते हैं ना, उसे बोलते हैं बबल। द स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स वो जो हम कोल्ड ड्रिंक्स और कोकोनट जिससे हम ड्रिंक करते हैं उसमें जो लंबी सी होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रो। इन द शू, शू मीन्स जूता। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, नाउ लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वंस upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe। एक बार की बात है, lived लिव्ड यानी रहते थे। एक बार की बात है, बबल, स्ट्रो एंड शू रहते थे एक जगह पे। अब उन तीनों की स्टोरी है वो हम आगे पढ़ेंगे। वन डे दे वेंट, went, जो go, go यानी जाना, उसका पास्ट फॉर्म है went। वन डे दे वेंट into the forest, forest फॉरेस्ट मीन्स जंगल। यस, एक दिन वो जंगल में जाते हैं। दे कैम टू अ रिवर, वहाँ जंगल में जाते जाते वो एक रिवर के पास आ पहुँचते हैं। दे डिड Not know how to cross it, वो तीनों को पता नहीं था रिवर को क्रॉस कैसे करना है। The shoe said, Bubble, let us float on you। अब तीनों जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके रास्ते में एक रिवर आती है, तो तीनों थिंक करते हैं कि ये रिवर को तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए तो क्रॉस करना होगा ना। तो वो तीनों में से जो सू है ना, वो कहता है बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू, चल तेरे पे फ्लोट करते हैं। फ्लोट मीन्स पे तेरे पे बैठ के हम तैरते हैं, FLOAT, फ्लोट मीन्स तैरना। तो वो सू है ना, वो कुछ सजेशन देता है और कहता है कि बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू, चल तेरे पर बैठ के हम ये रिवर को है ना वो क्रॉस करते हैं। नाउ क्या होता है वो आगे देखेंगे। नो सू Let straw stretch himself from one bank to the other। सू को वो कहता है नो, चलो स्ट्रो है ना उसको कहते हैं वो स्ट्रेच हिमसेल्फ यानी अपने आप को वहाँ पे लेटा दे। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उसको कहते हैं कि वो लेट जाए। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, फिर हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। शो द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रेच STRETCHED स्ट्रेच यानी अपने आप को लेटा देना या खींच के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना। तो वहां पे स्ट्रेच हो जाती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लंबी होके सो जाती है, वहां पे लेट जाती है। When the shoe jumped on the straw, it broke। जब एक रिवर को क्रॉस करने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए वो जैसे ही स्ट्रो पे जंप करता है यानी उस पर कूद का लगाता है, तो क्या होता है? इट ब्रोक, BROKE, ब्रोक मीन्स टूट जाना। तो फौरन उसी टाइम वो टूट जाती है। जैसे ही टूटती है ऑब्वियसली क्या होगा? द शू fell into the water with a loud splash। जैसे ही स्ट्रो पे जंप लगाता है वो टूट जाती है और सू है वो पानी में आके गिरता है और पानी की आवाज आती है splash। जैसे पानी में कोई चीज गिरती है और splash की आवाज आती है ना, वैसी पानी में आवाज आती है। द बबल shook with laughter and brushed with a big bang। फिर वो जो
एक किनारे पे खड़ा है ना बबल, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, वह वो इतना हिल हिल के हंसता है, इतना हंसता है कि वो अपने आप ब्रश्ट, BURST, ब्रश मीन्स फूट जाना, वो अपने आप बिग बैंग, जो कोई चीज जैसे क्रैकर्स या कोई चीज बड़ी आवाज से फूटती है ना, तो जैसे आवाज आता है वैसे बिग बैंग की आवाज के साथ वो फूट जाता है। इस तरह ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस स्टोरी वी हैव अ न्यू वर्ड्स। यू लुक हियर, वी सी क्लियरली दैट वॉट हैपन इन द स्टोरी। देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है कैसे सू पानी में गिर गया है, स्ट्रॉ है वो टूट गई है, और बबल है वो जोर जोर से हंस रहा है, इतना हंस रहा है कि ब्रस्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे यहाँ पे। इन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वी हैव अ सम न्यू वर्ड्स। BANK, बैंक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? नदी का, रिवर का जो किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं। सेकेंड है बबल, BUBBLE, बबल्स मीन्स पानी में जो बुलबुले होते हैं वो। थर्ड वन है बर्स्ट, BURST, ब्रस्ट मीन्स फूटना। इसके बाद है क्रोश, CROSS, क्रोश मीन्स पार करना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो पार करते हैं उसको बोलते हैं क्रोश। रिवर, RIVER, रिवर मीन्स नदी। शूज, SHOES, शूज मीन्स जूते। एंड द लास्ट वन इज स्पाल्स, SPLASH, स्पाल्स मीन्स धड़ाक, पानी में जो आवाज आती है कोई चीज गिरती है और वो धुम सी धड़क सी आवाज आती है उसको बोलते हैं स्पाल्स। लेट्स रीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टू सेंटेंस है वो हम रीड करेंगे। आई कैन ब्लो बबल्स एंड द लास्ट वन इज आई कैन वेयर शूज। स्टूडेंट्स इस तरह ये न्यू वर्ड्स से वो आपको रीड करने हैं, लर्न करने हैं, उनको रिमेम्बर करने हैं और याद रखना है, ताकि जब भी स्टोरी करो, क्वेश्चन आंसर करो, तो आपको ये रीड करने में और उसको याद करने में इजी रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।